हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क ऑफ द डे में आपको क्या पढ़ना है, क्या मेवी टास्क आज आपको कवर करना है। इसके अलावा न्यू मेंबर के लिए हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और सीटीईटी की तैयारी करते हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं। ये टास्क आपको डेली सुबह 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है। ये बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आप लोग सिस्टमेटिक रूप से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो और भी ज्यादा अपनी पढ़ाई को इनहांस और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज आपका टास्क क्या है। तो आज आपकी तैयारी का 20वां दिन आपको देखने को मिलेगा, और आज 27 जुलाई है। तो 27 जुलाई को आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th क्लास, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसके आपको फुल की फुल आपको यानी कि पूरी की पूरी आपको कवर कर लेनी है। आप तो कहेंगे सर हमने कवर कर लिया, क्योंकि आपने तो सारे चैप्टर है वो पढ़ने के लिए दे दे चुके थे, तो क्यों बोल रहे हैं कि पूरी कवर कर लीजिए। तो देखिए, इसलिए ऐसा किया गया है, ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है कुछ एक चैप्टर या फिर आधा चैप्टर या फिर दो चैप्टर किसी के छूट गए हों, क्योंकि काफी दिनों से आपको दो तीन चैप्टर पढ़ने के लिए दिए जा रहे थे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत टास्क आपका छूट गया हो, इसलिए नेक्स्ट आपको एनसीईआरटी आज पढ़ने के लिए नहीं दी जा रही है। इसी को कंप्लीट कर लेना है जो आपका टास्क छूटा हुआ है। लेकिन अभी आपको मैपिंग टास्क आपको अभी दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम मैपिंग टास्क आज आपको क्या कवर करना है। तो देखिए, आपको कल आपको यूरोप की लोकेशन आपको दी गई थी, तो जहां से हमने स्किप की थी उसके आगे की हम यूरोप की ही लोकेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे की सारी लोकेशन हम देखेंगे। तो देखिए, पहली लोकेशन आज आपको देखने को मिलेगी, इससे पहले 23 लोकेशन हम पहले ही आपको दे चुके थे, तो 24 से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जो जिब्राल्टर जल संधि है वो किस किस सागर को किस सागर से या फिर महासागर से किस सागर को जोड़ती है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, या फिर किन दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो अटलांटिक महासागर है उसको भूमध्य सागर से ये जोड़ती है, मेडिटेरियन से इसको भूमध्य सागर बोलते हैं, उसको जोड़ती है। ओके, इसके अलावा पूछा जा सकता है किन दो खंडों को स्थल खंडों को अलग करती है। तो आपको देखने को मिलेगा ये दो महाद्वीपों को अलग करती है, इधर आपको यूरोप देखने को मिलेगा, इधर अफ्रीका देखने को मिलेगा, यानी कि जो जिब्राल्टर जल संधि है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है या फिर अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है थोड़ा और डीप में पूछ ले, आपसे बोले कि यूरोप में भी किसको किससे अलग करती है। तो आपको देखने को मिलेगा यूरोप में आपको स्पेन वाला पार्ट देखने को मिलेगा, इधर मोरक्को वाला पार्ट देखने को मिलेगा, यानी कि ये अफ्रीका में मोरक्को और यूरोप में स्पेन, इन दोनों पार्ट को एक दूसरे से अलग करती है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो इसी तरह से जल संधियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप लोग इतनी इधर की सारी लोकेशन देख चुके थे ना। अब देखिए, जैसे ही आप जो जिब्राल्टर जल संधि है ना, इससे आप लोग अंदर आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, भूमध्य सागर। ये पूरा क्या है, मेडिटेरियन सी आपको देखने को मिलेगा, भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। तो दूसरी लोकेशन क्या है, मेडिटेरियन सी। ये देखिए, थोड़ी सी स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लेंगे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मेडिटेरियन सी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, मेडिटेरियन सी में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो स्पेन तो आप पहले ही देख चुके हैं, अभी हम लोग फिजिकल मैप जब आपको पढ़ाएंगे तो मतलब अभी आपको लोकेशन देंगे फिजिकल मैप की, तो फिर से आप लोग इन सारी लोकेशन को देखने वाले हैं। लेकिन अभी तो हम स्पेन में घूम आए थे, तो स्पेन में हमको जाना ही नहीं है। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, देखिए एक द्वीप समूह देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं बैरेलिक द्वीप समूह या फिर बैरेलिक आइसलैंड के इसको ना इसको उस नाम से जानते हैं। तो देखिए, आपको अगली लोकेशन क्या देखने को मिलेगी, बैरेलिक आइसलैंड आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बैरेलिक सी देखने को मिलेगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको गल्फ ऑफ लॉयंस देखने को मिलेगा। देखिए, गल्फ ऑफ लॉयंस हो सकता है आपके एड्रेस में ना दिया रखा हो, तो कहाँ पर खोजेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पर इस तरह से आपको एक गल्फ टाइप की दिख रही है ना, एक खाड़ी टाइप की आपको दिख रही है ना, तो यही क्या है, गल्फ ऑफ लॉयंस के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए, गल्फ ऑफ लॉयंस से आप थोड़ा सा जैसे ही आएंगे तो इधर देखिए आपको दो द्वीप बड़े बड़े दिखाई देंगे। देखिए, ऊपर एक आपको द्वीप दिखाई देगा और नीचे आपको इस तरह से एक द्वीप दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए, ऊपर वाला है इसको क्रोएशिया बोलते हैं, और नीचे वाला है जिसको सर्डनिया के नाम से जानते हैं। ये कौन सा है, सर्डनिया वाला पार्ट है, और ऊपर वाला कौन सा है, क्रोएशिया वाला पार्ट है। लेकिन इन दोनों को देखिए बीच में गैप है छोटा सा, तो ये रास्ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जल संधि, क्योंकि बीच में से जल गुजरता है, तो इसलिए हम इसको जल संधि के नाम से जानते हैं। तो कौन सी जल संधि है, तो आपको ये काफी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेस्को के नाम से इसको जाना जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ बोनिफेस्को, तो आपसे पूछा जाएगा स्ट्रेट ऑफ बोनिफेस्को है किससे किसको किससे अलग करती है, तो देखिए जो क्रोएशिया है वो सर्डनिया से अलग करती है, और किसको किससे जोड़ती है, तो देखिए आपको पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो मेडिटेरियन सी में, या सेम मेडिटेरियन सी में देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा और डीप में पूछे
तो हो सकता है आपसे पूछ लेगा इस तरह से कि यहाँ पर बेरेलिक सी को यहाँ पर टेरेनियन या टेरेनियन को हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में टेरेनियन बोला जाता है, टेरेनियन सी को आपस में जोड़ती है, तो यस जोड़ती है। तो किसी भी तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब देखिए ये दोनों लोकेशन आप देख लेंगे, फिर देखिए आपको अगली लोकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, लिगोरिया सी आपको देखने को मिलेगा। ये आखिर लिगोरिया सी कहाँ पर है? तो देखिए आपको गल्फ ऑफ लॉयंस देखने को मिलेगा, इसी के बगल में एक और आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं लिगोरिया सी के नाम से इसको जानते हैं। ओके ये क्या है, लिगोरिया सी आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे आप आएंगे घूमते हुए टहलते हुए गलियों में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इटली देखने को मिलेगा। ओके ये क्या देखने को मिलेगा, इटली आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ही हम पढ़ेंगे पर्वत के बारे में, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे यहाँ पर आपको एक काफी इंपॉर्टेंट पर्वत देखने को मिलेगा, ओके, जिसको विसुवियन पर्वत के नाम से भी जानते हैं। वैसे अभी इसको भूल जाइए। तो आप लोग थोड़ा सा आगे आएंगे, तो देखिए आप थोड़ा सा जैसे ही आगे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये सिसली द्वीप देखने को मिलेगा। क्या ये देखिए इटली वाला पार्टी है, सिसली भी आपको इटली का पार्टी देखने को मिलेगा। तो देखिए इटली का पार्टी है, तो इसके बीच में आपको इस तरह से एक जल संधि देखने को मिलेगी, किसके, सिसली द्वीप और इटली है जो इसके बीच में आपको एक आपको इस तरह से, सिसली भी किसका पार्टी, इटली का ही पार्टी, कंफ्यूज नहीं होना। और हाँ यहाँ पर ही आपको एक वेटिकन सिटी भी देखने को मिलेगी। ओके तो देखिए इस तरह से आपको एक जल संधि देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मेसियाना के नाम से जानते हैं। देखिए स्ट्रेट ऑफ मेसियानी है, मेसियाना है, ये टेरेनियन सी है ना, टेरेनियन सी को आइनोनिया सी से जोड़ती है, और किससे किससे किसको अलग करती है, तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। देखिए जैसे ही हम इस जल संधि के माध्यम से आयोनियन सी में हम जाते हैं, प्रवेश करते हैं, फिर हम लोग आगे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक जल संधि देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो के नाम से जानते हैं। ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो के बाद जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एड्रियाटिक सी आपको देखने को मिलेगा। और एड्रियाटिक सी से ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर स्लोवानिया आपको देखने को मिलेगा। देखिए स्लोवेनिया आपको देखने को मिलेगा, स्लोवेनिया से नीचे आप लोग आएंगे तो आपको क्रोशिया आपको देखने को मिलेगा, क्रोशिया से नीचे आपको बोशनिया आपको देखने को मिलेगा, और फिर देखिए बोशनिया आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको मोंटेनेग्रो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए मोंटेनेग्रो आपको देखने को मिलेगा, मोंटेनेग्रो के बाद हम नीचे आएंगे तो आपको अल्बेनिया आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको अल्बेनिया देखने को मिलेगा, और ये अल्बेनिया और इटली इसी को एक दूसरे से अलग कौन करता है, ये आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो अलग करता है। ओके तो और किसको किससे जोड़ता है, तो जो ओरेंटो जल संधि है, ओके स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो जल संधि है, ये आयोनियन सी को एड्रियाटिक सी से जोड़ती है। किसको किससे अलग करती है, तो आपको अल्बेनिया को इटली से अलग करती है। इस तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब देखिए जैसे ही आप लोग आगे आएंगे फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रीक। देखिए हम यहाँ पर ग्रीक लिखना भूल गए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए ग्रीक आपको देखने को मिलेगा, और फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक क्रेट देखने को मिलेगा। ओके देखिए हिंदी में इस तरह से लिखा हुआ होगा, क्रेट लिखा हुआ होगा, थोड़ा सा हम साइड से हट जाते हैं, या फिर आपकी बुक में इस तरह से क्रीटी भी इसको बोला जाता है, इस द्वीप को, ये द्वीप देखने को मिलेगा। ओके और देखिए इसी इसी के मध्य से होते हुए आप कहाँ पहुंच जाएंगे, एजियन सी में प्रवेश कर जाएंगे। तो इतनी सारी आपको लोकेशन है वो आपको सर्च करके रखनी है। देखिए यहाँ पर हम एक ग्रीक नहीं लिखा है तो वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, और यहाँ पर एक वेटिकन सिटी आपको देखने को मिलेगा उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, और सारी लोकेशन हम यहाँ पर वैसे लिख दिए हैं, इनको आपको सर्च करना है, एटलस में सर्च करने के बाद अपने ब्लैंक मैप पर नोट करना है। तो इससे आपकी सारी की सारी लोकेशन हलवा की तरह प्रिपेयर हो जाएंगे। जब भी आप लोग एटलस पर वर्क किया करें ना, तो प्रीवियस जितने भी लोकेशन हम दे चुके हैं उनको एक सरसरी निगाहों से देखा करिए। फर्स्ट टाइम सिर्फ इन्हें कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, उसके बाद आप लोग को टाइम नहीं लगा करेगा। आपको कैसे घूमना है, जैसे आप लोग एक उंगली या फिर पेन या पेंसिल लीजिए और जैसे आपने मैप बनाया उस पर इस तरह से घूमा करिए कि हाँ हम इस तरह से उस पर घूम रहे हैं। कहीं से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से आप लोग घूमेंगे तो बहुत ही आसान आप लोगों का मैप हो जाएगा। ओके जो ये सिलेबस है बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से डिजाइन किया गया, अभी जुलाई चल रहा है, तो आपका ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का आपको यहाँ पर टास्क दिया जाता है, और इसी के आप लोगों के अभी टास्क टेस्ट होते हैं। फिर इसके बाद में हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आपको टास्क के रूप में दिया जाएगा। फिर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से सारे सब्जेक्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर कराए जाएंगे। और यहाँ पर ये टास्क है जो आप ये टास्क देख रहे हैं, सुबह 8 बजे डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाता है, आप लोग आकर के देख सकते हैं। इसलिए इसको एक बार लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए एकमात्र हमारा ऐसा चैनल है जहां पर आप लोगों के लिए डेली टास्क प्रोवाइड कराया जाता है।
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तीन बैच आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो आपको खुद से पढ़ना था, इसके अलावा लाइव क्लासेस भी आपको मिलती है। तो इसके लिए हमने आपको तीन बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं, एक आईएएस का बैच और दो पीसीएस के, एक यूपी पीसीएस एक बिहार पीसीएस का बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं। एक क्लासेस की स्टार्ट हो चुकी है, एक क्लास है वो 3 बजे चलती है, ये भी लाइव क्लास है, ये पीसीएस की क्लास चलती है, और शाम को 6 बजे क्लास चलती है, ये आपकी आईएएस की क्लास चलती है, दोनों आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं, और एक रिकॉर्डेड क्लास आपको 12 बजे करंट अफेयर की मिलती है, ये भी आकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा संडे को आप लोगों का एक टेस्ट होता है और डाउट क्लियरेंस सेशन भी आप लोगों का होता है, जिस पर जूम मीटिंग पर आकर के आप हमसे बात कर सकते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। ओके, इसके अलावा देखिए यूट्यूब चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट है वो सेपरेट बना दी गई है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। और इसके अलावा देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट पर हम कितनी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, कितने घंटे तक आप लोगों की क्लासेस चलेंगे, सब विस्तार में इसकी जानकारी दी गई है, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपके आई कार्ड भी बन गए जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं, तो हमने यहाँ पर देखिए आप लोगों के नाम लिख दिए, अगर आपका इसमें नाम है तो यानी कि आपका आई कार्ड बन चुका है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका इसमें नाम है, गर्ल्स की आई कार्ड है, अगर इसमें अगर आपका नाम है तो आपका आई कार्ड बन गया, तो जिन लोगों का आई कार्ड बन गए हैं वो हमें एक व्हाट्सएप पर अपना नाम डेट ऑफ बर्थ के साथ में मैसेज कर दीजिए, आपका आई कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो लोग नए मेंबर हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे क्लब से जुड़ना चाहते हैं, वो जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो में सब विस्तार में सारी जानकारी दी गई है, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, किस प्रकार से आपको आई कार्ड मिलेगा, सब कुछ टू जेड आप लोगों के लिए बताए गए हैं। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहे।